लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद वहीद अमेठी नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ और आप सबसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे थाना अध्यक्ष साहब बहुत साथ दे रहे हैं, चौकी इंचार्ज साहब बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का जो है सिस्टम बहुत सही से लोग यहाँ के निभा रहे हैं, लोग दूरी बना के भी रह रहे हैं, बातें हैं, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आप लोग से एक चीज़ ये कहना है कि थोड़ा सा दूरी बना के आप लोग रहिए और दूरी के साथ साथ हाथ ना मिलाइए और हाथ ना मिलाकर सलाम दुआ कर लीजिए, हाथ उठाकर यूं नमस्कार कर लीजिए। हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबसे हम कह रहे हैं जब तक ये चल रहा महामारी का। चेयरमैन जी, जैसे कि इस वक्त कुछ युवा है मान नहीं रहे घर से बाहर, वो जरूर निकल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं अपने भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरी एक आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है कि मेरी बात आप तक पहुँच रही तो मान लो भाई, मेरे अगर आपसे पुलिस बदतमीजी कर देगी फिर आप क्या करोगे भाई? मेरे वो हमारे लिए तो है, मैं बाहर पुलिस अपना घर परिवार छोड़कर आपके साथ खड़ी है और सब कुछ देख रही है। मेरे भाई हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अंदर रहिए, सुकून से रहिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो हमें बताइए। अगर आपसे बदतमीजी पुलिस कर दी तब आपको कैसा लगेगा भाई? हर जगह देखिए कितनी बदतमीजी हो रही है, हो रही नहीं? आपकी दुआ से आपके अध्यक्ष यहाँ के थाना गोसाईगंज अमेठी चौकी और लालगंज SDM साहब भी सब लोग अक्सर दौरा करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं आपके अमेठी में ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जा रहे हैं जबकि सरकार बार बार पुलिस जो है बार बार मना कर रही है कि मस्जिदों में ज्यादा लोग एकजुट ना हो। भाई देखिए, हुकूमत हमारी हमारे फायदे के लिए कह रही है, उसने अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हुकूमत जो कह रही है बिल्कुल सच है, सही है भाई। उसने हमारे लिए कहा ना कि आपके फायदे के लिए कि आप एक साथ खड़े होंगे, जाएंगे मस्जिद में तो एक की जगह पे दूसरे ये छूने से ही बढ़ता है। जब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपकी बीमारी है नहीं हुई भाई, मस्जिद में जाने पर एक दूसरे गले कंधे से कंधा सटते हैं, सटने से ये होता है। तो भाई कोई अगर एक व्यक्ति मस्जिद के अंदर है तो उससे अगर ज्यादा से ज्यादा अगर है तो सबको हो जाएगी, तो इसीलिए मना किया है भाई। जब तक है भाई, कोई किसी के मजहब के लिए रोक नहीं रहा, ना मोदी जी हमारे रोक रहे हैं, ना हमारे अमित शाह रोक रहे हैं, ना अखिलेश यादव रोक रहे हैं, ना मायावती रोक रहे हैं और ना योगी आदित्यनाथ जी रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे, भाई किसी ने नहीं रोका, धर्म में किसी ने नहीं छेड़ा भाई। बहुत अच्छा लगा कि हमारा सहयोग हो रहा भाई, जब कह रहे हुकूमत जब कह रही है हमारे लिए कह रही, किसी और के लिए नहीं, हमारा फायदा है हमारे लिए कह रही, तो उसकी बात मानना चाहिए, हम सबको मानना चाहिए भाई। मेरे मानना आप नमाज पढ़िए, आप घर पे पढ़िए, क्या घर पे नहीं पढ़ सकते हैं? इबादत क्या घर से नहीं होती? होती है मेरे भाई, इबादत घर से करिए और नमाज भी घर से पढ़िए, अदा करिए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह से दुआ आप घर से बैठ के करिए, सब खत्म हो जाएगा भाई। जो जिस मजहब का है, हम मुस्लिम हैं अल्लाह से बोले, आप मेरे भाई हिंदू भाई हैं भगवान श्री राम से बोलिए, हम सब लोग मिलकर दुआ करें और यहाँ हम सब की दुआएं एक साथ लगेंगी भाई। यहाँ पे सिर्फ धर्म बटे हैं ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक हैं, सब धर्म बताओ, सब धर्म अपना अपना है। लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल।